Hello guys, how are you? Hopefully all are well. हम सभी बहुत अच्छे हैं. आप लोग लास्ट क्लास में जो हमने वीडियो पढ़ी थी, एक विदाउट पेन पेपर मोड हमने एक वीडियो अपलोड किया था, जो आप कह सकते हैं एक मोटिवेशनल स्पीच आप लोगों के लिए था. उसको अप्रिशिएट बहुत बच्चों ने किया है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच. जितने भी कोर्सेज हमने आज तक पढ़े हैं, चाहे वो क्लॉजेस का कोई भी स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, चाहे क्लोज का कोई भी हमने बेसिक टॉपिक उठाया था, आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे से समझा है, कमेंट किया है, उस चीज के लिए थैंक यू वेरी मच. लाल बटन को प्रेस करके आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, इस वाले बटन को प्रेस करके आप लोगों ने उसे लाइक किया है. सबसे बड़ी बात, आप उसमें कमेंट लिख रहे हैं, चाहे आपका कोई डाउट है, चाहे आपको वो कैसा लगा है, चाहे आप उसमें कोई इंप्रूवमेंट के लिए हमें बोल रहे हैं, वो सब देखकर हमें लगा कि हाँ बच्चे मतलब हमसे कनेक्टेड हो रहे हैं. इस चीज के लिए थैंक यू वेरी मच. आप बच्चों की डिमांड ये आई थी कि हमें कुछ वोकैबुलरी पार्ट का प्लस पॉइंट हमें मिले. कैसे? क्योंकि वोकैबुलरी एक ऐसा टॉपिक या एक कह सकते हो एक ऐसा पार्ट होता है लैंग्वेज का, जिसे हम कितना मर्जी पढ़ लें, अब एग्जाम में ना जाने वो कहां से पूछ ले, हम उसका आइडिया नहीं लगा सकते हैं. लेकिन हाँ, हम अपना प्रैक्टिस और अपने पास एक स्टोर ऐसा बना सकते हैं वोकैब्स का, जो कि पेपर में हमारे लिए वो हेल्पफुल होगा. तो उसी के बेसिस पर आज हम फर्स्ट शुरू कर रहे हैं वोकैबुलरी पार्ट नंबर वन. जो पहला मैंने लिया है एक रूट वर्ड. बेसिकली आप बच्चे पूछेंगे कि ये रूट वर्ड होता क्या है. रूट वर्ड एक वो वर्ड होता है जो किसी भी वर्ड के साथ कनेक्ट होकर एक मीनिंग हमें प्रोवाइड करता है. कैसे? मान लो कि बहुत से वर्ड, जैसे मैं बोलूं ग्राफी एक वर्ड आता है, जैसे बहुत से मैं वर्ड बोलूं उनमें से एक वर्ड आता है लॉजी. जैसे हम बोल सकते हैं थियोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, इटाइमोलॉजी है, ये सारे वर्ड्स. फिर जैसे हम बोलते हैं मेनिया, मेनिया भी एक वर्ड होता है, किसी चीज के पीछे पागलपन हो सकता है. लॉजी जो वर्ड होता है वो किसी चीज की स्टडी को रिलेट करता है. ग्राफी जो वर्ड होता है वो किसी चीज को लिखने के लिए, ग्राफिकल लैंग्वेज में हम उसे बोल सकते हैं. उसी पर बेस्ड आज मैंने फर्स्ट आप लोगों के लिए रूट वर्ड जो बनाया है वो है फोबिया. अब फोबिया का जो मतलब होता है वो ये कहता है कि किसी भी चीज से डर, और डर छोटे वाला नहीं, बहुत बड़े वाला डर. फोबिया का मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है, चलो स्टडी करते हैं. इलॉजिकल एंड इरेशनल फियर अबाउट समथिंग, मतलब किसी भी चीज से बहुत अधिक और अतार्किक भय या फिर डर. मतलब उस डर के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल है वो. फिर भी किसी इंसान को अगर वो डर होता है तो हम उसे बोल सकते हैं कि उसे किसी चीज का फोबिया है. अब देखो ये हेल्प कहां करेगा आप लोगों को पेपर में. पेपर में अक्सर, चाहे वो केवीएस का पेपर है, चाहे वो एसएससी का पेपर है, चाहे वो आपका एनवीएस का पेपर है, चाहे कोई भी अदर वनडे एग्जाम जो होते हैं, जो आप एंट्रेंस एग्जाम भी बोल सकते हो, चाहे वो एनडीए होता है, चाहे आपका क्लैट होता है, चाहे आपका बीसीए, या फिर जो भी बच्चा एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करता है, पीएलएट वगैरह, तो उसमें एक क्वेश्चन आप लोगों का आता है जिसे हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. तो उसमें ये आपकी मदद जरूर करेगा. अब देखो स्टार्ट करते हैं. फोबिया तो हमने मीनिंग आपको बता दिया कि किसी भी चीज से बहुत अधिक या फिर अतार्किक डर की जब हम बात करते हैं तो वो फोबिया होता है. अब उस पर बेस्ड फर्स्ट वर्ड मैंने लिखा एक्यूस्ट्रोफोबिया. इसका मीनिंग होता है किसी भी चीज की साउंड से जब आपको डर लगे. मान लो हल्की सी कहीं खटखट या फिर कोई भी एक आवाज अगर आती है तो उसको सुनकर अगर आप डर जाते हो, That means कि आपको कौन सा फोबिया है, एक्यूस्ट्रोफोबिया. अब ये मदद कैसे करेगा, मान लो कि पेपर में क्वेश्चन आया फियर ऑफ साउंड्स, ठीक है, ऑप्शन में उसने लिखा लैक्सिकोग्राफर, कैकोफोनस, न्यूमरोलॉजी, और एक उसने लिखा एक्यूस्ट्रोफोबिया. अब हमें ना चारों में से किसी का मीनिंग नहीं पता है, लेकिन एक चीज हमें जरूर पता है कि फोबिया अगर किसी चीज में कनेक्टेड है तो वो किस चीज का मीनिंग देगा, फियर का. और हमसे पूछा क्या है, फियर ऑफ साउंड.
क्योंकि कुछ बच्चों का ये कहना है कि हमें इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो आप हिंदी में उसका मीनिंग जरूर हमें बता दीजिएगा। तो उन्हीं की हेल्प के लिए मैंने ये हिंदी में उसका ट्रांसलेशन लिख दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट आए या ना समझ में आए तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, ताकि आपकी जो भी क्यूरी हो उसको हम इजीली बता दें। सेकेंड हमने कहा एक्रोफोबिया। भाई एक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ एयर। क्या होता है एक्रोफोबिया? फियर ऑफ एयर मतलब हवा से डर। फिर हमने कहा एगोराफोबिया, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि बार बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फियर ऑफ ओपन स्पेस। एगोराफोबिया इज फियर ऑफ ओपन स्पेस मतलब किसी भी खुले स्थान से डर। अगर कोई खुला मैदान आपने देखा या फिर किसी भी पर्सन ने और उसको लगा इतना बड़ा नहीं मुझे यहाँ डर लग रहा है, ऐसे उसको फीलिंग आई, तो वो कौन सा फोबिया है? उसे एगोराफोबिया। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड इज एक्नोफोबिया। एक्नोफोबिया इज फियर ऑफ नाइव्स। नाइव्स मतलब चाकू से डर। कैसे? मान लो कि कोई छोटा बच्चा है, आप वो घर में खेल रहा है, उसके हाथ में आपने चाकू देखा तो आपको लगा नहीं कहीं इसका हाथ ना कट जाए। दैट मींस कि आपको किस चीज से डर लग रहा है? चाकू से। कहीं उसका नेगेटिव इंप्रेशन हो ना चला जाए उस टाइम पर, तो वो कहता है कौन सा फोबिया है? उसे एक्नोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड गेटोफोबिया। गेटोफोबिया का मीनिंग जो हम याद करेंगे वो होता है फियर ऑफ कैट्स। कैट्स मतलब बिल्लियों से डर। जैसे छोटे बच्चे होते हैं या हम लोग भी कभी कभार अगर बिल्ली कोई अजीब सी हमें नजर आती है तो उससे डर जाते हैं। दैट मींस कि हमें कौन सा फोबिया है? गेटोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड एल्गोफोबिया या फिर डायनोफोबिया। अब एल्गोफोबिया और डायनोफोबिया ये कहता है कि किसी भी इंसान को अगर पेन से डर है, पेन मतलब दर्द, अगर उससे डर है तो वो कौन सा फोबिया है? उसे या तो एल्गोफोबिया या तो डायनोफोबिया। अब पेन से कैसे डर हो सकता है? मान लो कि आप बीमार हैं या कोई भी पर्सन, एक जो बीमार इंसान है वो जा रहा है, ऐसा लगा उसे कि नहीं मुझे अगर मैं इस पर बैठा तो मुझे ज्यादा पेन हो जाएगा, मुझे ज्यादा ऐसा फील होगा कि मुझे दर्द ज्यादा हो रहा है, तो वो जो उसे फीलिंग आएगी एट अ टाइम, तो वो कहता है वो कौन सा फोबिया उसे होगा? एल्गोफोबिया या फिर डायनोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड इज एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया मीनिंग होता है मेल पर्सन से डर। अब यहां से एक चीज नोट करना कि जिस भी किसी वर्ड में आप कभी अगर देखोगे एंड्रोफोबिया लिखा हुआ तो ये हमेशा रिलेट करेगा किसी मेल पर्सन से। किससे? मेल पर्सन। दैट मींस फियर ऑफ मेल्स मतलब पुरुषों से या फिर लड़कों से अगर किसी को डर है, दैट मींस कि उसे कौन सा फोबिया है? एंड्रोफोबिया। होपफुली यहां तक कोई प्रॉब्लम ना आ रहा हो। ओके, नेक्स्ट एपियोफोबिया। एपियोफोबिया होता है फियर ऑफ बीज। ये तो मुझे भी है। अगर मान लो किसी आप घर में गए, वहां पर कोई बहुत बड़ा सा आपने देखा कि पेड़ है, उस पर हम देखते हैं ना कि छत्ता है जिसे हम बोलते हैं कि यहाँ मधुमक्खियां से उस पर बैठी हुई है, तो हम उसको नीचे से निकलने में भी डरते हैं, ऐसा ना हो कि हमें काट ले, तो वो हमें कौन सा फोबिया है? एपियोफोबिया। एपियोफोबिया मीन्स फियर ऑफ बीज मतलब मधुमक्खियों से डर। क्लियर? एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया इज फियर ऑफ वीकनेस। वीकनेस मतलब कमजोरी से डर। कैसे? मान लो कि कोई पर्सन बहुत टाइम से बीमार चल रहा है, ठीक है, तो उसे ये लगता है कि नहीं अगर मैं खाऊंगा पीऊंगा नहीं तो मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो जाऊंगा, मैं अंदर से मुझे वीकनेस फील होगी, फिजिकली नहीं इंटरनली, तो कहते हैं कि अगर उसे वो चीज का भय लग रहा है या उसे उस चीज का डर लग रहा है तो उसे कौन सा फोबिया है? एस्टिनोफोबिया, जिसका मतलब क्या होगा? फियर ऑफ वीकनेस मतलब कमजोरी से डर। क्लियर है ये चीजें? चले बढ़ती हैं आगे। नेक्स्ट हमने कहा बेसिफोबिया। कौन सा फोबिया? बेसिफोबिया। बेसिफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वॉकिंग मतलब टहलने से या फिर आप कह सकते हो चलने से डर। अब ये फोबिया क्या रहेगा? फियर ऑफ वॉकिंग या फिर फियर ऑफ चलने से, टहलने से डर। नेक्स्ट वर्ड बाथोफोबिया। बाथोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डेप्थ्स। डेप्थ्स मतलब गहराई से डर, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने से डर, वो कौन सा फोबिया होगा? बाथोफोबिया।
नेक्स्ट वर्ड इज बिब्लोफोबिया. अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बिब्लोफोबिया. अब देखो बिब्लियो जिस भी किसी वर्ड में आपको नजर आए तो ये हमेशा रिलेट करता है बुक से. किससे रिलेट करेगा? बुक से. दैट मींस बिब्लोफोबिया इज फियर ऑफ बुक्स. मतलब किताबों से अगर किसी को डर है कि मैं उसे इतनी सारी बुक्स, इतनी मोटी बुक्स है तो मैं नहीं पढ़ सकता हूं, तो ऐसा अगर किसी को फील होता है तो उसे वो कौन सा फोबिया. बहुत सारे बच्चों में होगा. अगर बच्चे ने हमसे पूछा कि हमें इंग्लिश किया, मैथ्स किया, रीजनिंग किया, जीके किया, कोई अदर सब्जेक्ट की कौन सी बुक प्रेफर करें, तो जैसे हमने उसे बोल दिया कि ये वाला बुक, जाकर उसने देखा इतनी मोटी बुक, मैडम ये तो इतनी मोटी बुक थी, कैसे पढ़े, ऐसे हम आप लोग बोलते हैं. हम लोग भी बोलते थे, ऐसा नहीं है कि आप अलग बोलते हो, हम लोग भी उसे बोलते थे. चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट इज बोटैनोफोबिया. अब बोटैनोफोबिया बनता है बॉटनी से. बॉटनी क्या होता है? साइंस का एक वो टर्म या फिर एक उसका वो पार्ट जहां पर हम स्टडी करते हैं किसकी, प्लांट्स के बारे में. दैट मींस बैक्टोफोबिया जो रहता है वो किससे रिलेट करेगा? प्लांट्स से. प्लांट बोले तो पौधों से डर. नेक्स्ट ब्रोंटोफोबिया. ब्रोंटोफोबिया होता है फियर ऑफ थंडर. थंडर मतलब तूफान से डर. अगर आपको अंदाजा ये लगा कि हाँ तूफान आने वाला है तो क्या सब खिड़की, सब दरवाजे, सब चीजें आप बंद करके घर के अंदर बंद हो जाते हो, तो आपको कौन सा फोबिया होता है? फियर ऑफ थंडर. दैट मींस ब्रोंटोफोबिया. नेक्स्ट वर्ड इज कैकोफोबिया. अक्सर एक वर्ड कैकोफोबिया या कैकोफोनस हम यूज करते हैं. कैको का मतलब होता है बेकार, घटिया कह सकते हो, जो अच्छा हमें ना लगे, जो हमें ऐसा फील करे कि नहीं यार कितना गंदा है, ऐसे करके. तो कैकोफोबिया ये कहता है फियर ऑफ अग्लीनेस या फिर बदसूरती से डर, मतलब नेगेटिव इंप्रेशन से डर. नेक्स्ट कहता है कैलोफोबिया. कैलोफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ ब्यूटी, मतलब सुंदरता से डर. अगर कोई बहुत ज्यादा सुंदर है तो उसे लगता है कि नहीं इतना मैं सुंदर हूं तो नहीं, बहुत बेकार लगेगा अगर मैं ऐसा बनकर जाऊंगा तो ये क्या होता है? फियर ऑफ कैकोफोनस, मतलब फियर ऑफ ब्यूटी. इट्स कैकोफोनस, सॉरी कैलोफोनस, कैलोफोबिया. क्लस्ट्रोफोबिया इज, ये बिल्कुल अपोजिट चलता है एगोराफोबिया के. एगोराफोबिया का मीनिंग क्या था? फियर ऑफ ओपन स्पेस. और क्लस्ट्रोफोबिया का मीनिंग होगा फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस. एंड अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि बार बार पेपर में पूछा जाता है ये वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज डेमोफोबिया. अब डेमोफोबिया बहुत बार हम कहते हैं कि फियर ऑफ स्पीकिंग बिफोर द ऑडियंस, मतलब लोगों के सामने कुछ भी रिप्रेजेंट करने से डर जो हमें होता है वो क्या होता है? डेमोफोबिया. तो डेमोफोबिया को कह सकते हो फियर ऑफ पीपल या फिर लोगों से डर. नेक्स्ट वर्ड इज हेडोनोफोबिया. हेडोनोफोबिया होता है फियर ऑफ प्लेजर. प्लेजर मतलब खुशी से डर. अब ये सारा पार्ट हमने लिखा है रूट वर्ड फोबिया से. ऐसा नहीं है कि ये यही खत्म हो गया है, अभी इसके बहुत सारे वर्ड्स और आपको मिलने हैं, लेकिन वो तब मिलेंगे जब ये सारे आप लोगों को याद हो जाएंगे. जब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये मैसेज करेंगे कि हाँ हम पुराने वाला सारा याद कर चुके हैं, आप एक्स्ट्रा मतलब नेक्स्ट पार्ट उसका हमें बता दीजिए या हमारे लिए वीडियो बनाकर सेंड कर दीजिए, तभी हम उसका नेक्स्ट पार्ट आप लोगों तक पहुंचा पाएंगे. क्योंकि रूट वर्ड बेसिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लैंग्वेज पार्ट में. अब चाहे वो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो एक्सक्लूडिंग बैंकिंग, क्योंकि बैंकिंग में ये सारी टर्म्स बहुत कम आती हैं, आप वहां पर ले सकते हो इसको वोकैब सेशन में, जहां आपको सिनोनिम्स या फिर आप कह सकते हो फिलअप्स वगैरह में उसका यूज हो जाएगा, लेकिन वहां पर वन वर्ड्स का सेशन आपको नहीं मिलेगा. वन वर्ड सेशन आपको मिलेगा एसएससी, कोई भी, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आपका सीजीएल है, सीएचएसएल है, एसआई है, एमटीएस है, सीटीओ है, कोई भी अदर एग्जाम, चाहे वो स्टेनोग्राफर का है. इसके अलावा आपका ईएसआईसी का अगर कोई पेपर है, और हाँ ईएसआईसी के पेपर जो अभी हाल फिलहाल में उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था वैकेंसीज का, उनके एग्जाम्स डेट अनाउंस हो चुकी है, एडमिट कार्ड बच्चों के आ रहे हैं, उस एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट. होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, आप लोग इस वीडियो को और ज्यादा अच्छे से याद करेंगे. जो आपने पुराना किया है वो तो किया ही है, उसके बाद वाला पोर्शन जो मैंने आज लिखवाया है वोकैबुलरी सेशन पार्ट वन, इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा. कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा एक कमेंट आपको कैसा लगा. लाल बटन दबाकर आप उसको कर सकते हैं सब्सक्राइब, और ये बटन दबाकर आप उसे कर सकते हैं लाइक. और जैसा वीडियो लगे आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा. थैंक यू वेरी मच आपके अप्रिसिएशन के लिए. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।